कुछ भी नहीं है अभी तक। तो जो बड़े बड़े लोग हैं अभी तक कोई भी नहीं आया। जो लोगों के घरों में पानी जा रहा है और लोग जो है वो बहुत ज्यादा ज़हनी असलियत का शिकार है। बारिश और सैलाबी रेलों से वादिय मेहरान दरियाए सिंध में तब्दील। लाड़काना सक्खर पनवाकिल नौशेरो फिरोज डूब गए। भिटशाह की करार झील से बहते पानी ने शहर का रुख कर लिया। पनवाकिल सेम नाले का शगाव 300 फीट चौड़ा हो गया। जैकबाबाद में धान की फसल तबाह, लाखों मवेशी बह गए। हैदराबाद में घुटनों घुटनों पानी जमा। सक्खर में मुतासरीन के लिए खेमा बस्ती कायम। जामशोरों में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। कंदकोट में इमदाद के मुंतजर मुतासरीन पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। बलूचिस्तान में मजीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। चमन, किला सैफुल्ला, लोरालाई, जोब, झलमक्सी, शिरानी, दुक्की, जियारत पानी में डूब गए। बरसाती नालों में तुगयानी, सड़कें बह गईं। मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता मुनकता। चमन में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। सड़कें टूटने से हजारों गाड़ियां फंस गईं। क्वेटा में नवा किल्ली बाईपास पर सैलाबी रेला घरों में दाखिल। क्वेटा में मुतासरीन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। मुख्तलिफ हादसात में आज भी 6 अफराद जान बहक हो गए। अमवात 236 तक पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से सूरत हाल संगीन। लकी मरवत में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। शहर को मिलाने वाला पुल बह गया। बरसाती रेले से एक शख्स की लाश मिली। लोअर कोहिस्तान में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। एक को बचा लिया, 3 की तलाश जारी। सूबे में अमवात का हिंसा 79 तक पहुँच गया। सवात और अपर दीन में सूरत हाल संगीन। अपर चित्राल में नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सैलाब मुतासरीन के दुखों का मदावा करने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतहर्रिक। वजीर आजम ने बेघरों की दोबारा आबादकारी अवलीन तरजीह करार दे दी। वजीर इत्तलात की अतियात जमा कराने की अपील। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी इजलास। मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुश्किल घड़ी में मुतासरीन का साथ देने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी फाउंडेशन के तहत रिलीफ ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ की फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मुतासरीन को अब तक इमदाद क्यों नहीं पहुंचाई गई? सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि मुतासरीन को फौरी राशन और खेमों की जरूरत है। लियारी और मलीर नदी के अतराफ गैर कानूनी तामीरात खत्म ना होने पर अदालत का इजहार बरहमे। सैलाबी तबाहकारियों से निमटने के लिए मुल्क में इमरजेंसी लगाई जाए। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा का मुतालबा। सैलाब से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने के खदशे का इजहार। कहा गजाई किल्लत और बरामदात में कमी का खतरा। हुकूमत को IMF से अक्सर नौ मुजाकरात का मशवरा। दहशतगर्दी के मुकदमे में PTI चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी 1 सितंबर तक टल गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में भी जमानत मिल गई। इमरान खान को 7 सितंबर तक गिरफ्तार न किया जाए, अदालत की हिदायत। शटल होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, शहबाज गिल का कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा
और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशत गर्दी का केस लग जाता है। जो भी ये फैसले कर रहे हैं और फिर मारे हैं, खौफ ज़दा हुए हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद के खिलाफ एक्शन लेने का कहा था, उल्टा मुझ पर ही दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। इमरान खान का इल्जाम, कहते हैं तहरीक इंसाफ की कुव्वत से मुखालफीन खौफजदा हो गए। मुकदमात से दुनिया भर में मुल्क का मजाक बनने का दावा, का ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। फैसले करने और करवाने वालों को मुल्क मफाद का सोचने का मशवरा। तहरीक इंसाफ का इमरान खान के खिलाफ मुकदमे पर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान के खिलाफ गलत केस बनाया गया, हकीकी आजादी की जद्दोजहद का आखिरी मरहला शुरू हो गया। हुकूमत से 10 सितंबर तक जान छुड़ा लेंगे, हकीकी आजादी की जंग कामयाब होगी। असद उमर की पेशगोई। पच्चीस मई को पीटीआई कारकुनों के खिलाफ पुलिस एक्शन की तहकीकात में पेशरफ। सीसीपीओ लाहौर ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ड्यूटी पर मौजूद एसडीपीज और एसएचओज की तलबी का हुक्म। अफसरान को तहरीरी बयान देने की भी हिदायत दी। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक के सितम जारी, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर गरीब सारफीन पर बिजलियां गिरा दी। सिर्फ 200 यूनिट के बिल में 7,152 रुपए इजाफी लगा दिए। 8,500 का बिल देखकर सारिफ को गश आ गया। महंगी बिजली पर नून लीग के आबिद शेर अली अपनी ही जमात के वजीर आजम पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ से खुदा का खौफ करने और गरीबों पर रहम का मुतालबा। कहा लोगों के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं और हुकूमत ने भारी बिल भेज दिए। लोग बिजली के बिल हमारे मुंह पर मार रहे हैं। हालात को समझने और ठीक करने का मशवरा भी दे दिया। मबदुआ फंटिंग केस में एफआईए को अहम कामयाबी मिल गई। विफाकी तहकीकाती इदारे ने वुडन क्रिकेट क्लब से रकूम की तरसील में इस्तेमाल होने वाले 3 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। माह जुलाई में तरसीलाते जर, बैरूनी सरमायाकारी और नॉन टैक्स आमदनी में कमी। बरामदात एफबीआर रेवेन्यूज, जरई शोबे के कर्जों में इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने माहाना इकोनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया।